ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं किया। आज का दिन भी अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा था मार्केट के अंदर, लेकिन काफी लैक लस्टर रहा उसके बाद। यानी कि स्टार्टिंग में मार्केट में हमने देखा कि 80 पॉइंट से मार्केट का इजाफा हुआ 81 पॉइंट से, और फिर मार्केट में 204 पॉइंट तक मार्केट ने गेन किया। कल के वी लॉक के अंदर आपको बताया था कि टर्निंग पॉइंट है मार्केट के अंदर और मार्केट गेन कर सकती है। आज हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट ने 204 पॉइंट का गेन किया और 42,064 का हाई बनाया मार्केट ने। लेकिन फिर हमने देखा कि वॉल्यूम्स बहुत कम थे मार्केट के अंदर, और वॉल्यूम्स में तकरीबन 12 बजे तक, 12:30 बजे तक 50 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। उसके बाद मार्केट स्लो होती गई, और उसके बाद हमने देखा कि एक टाइम में 156 पॉइंट माइनस तक गई। ऑडियो कॉल के थ्रू हम बता चुके थे कि देखिए मार्केट अपने पॉइंट्स गेन कर चुकी है, 41,700 से चली है 42,064 तक, तो मार्केट अपने आपको डिस्काउंट कर सकती है और मार्केट अनदर सेकेंड बॉटम बना सकती है। हमने देखा कि जो फर्स्ट बॉटम बना था उसी के पास मार्केट ने सेकेंड बॉटम बना 41,703, और मार्केट थोड़ी सी रिकवर होकर 41,766 के करीब क्लोज हुई 94 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम्स में देखें तो वॉल्यूम्स बहुत कम थे, 92 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि जो कल वॉल्यूम हुए थे 187 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी। अच्छा, वॉल्यूम्स में कमी होती है तो फिर क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम आगे यानी कि आपको बताएंगे टेक्निकल चार्ट के वाले से कि जब वॉल्यूम्स क्यों कम होते हैं, वॉल्यूम्स में कमी यानी जब किस किस यानी कि टाइम यानी किस मंथ में हुई है, और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ है, तो ये एक चीज। और सेकंड नंबर पे वॉल्यूम कम होने की जो वजह क्या थी, वजह देखिए ये है कि एक तो रिजल्ट सीजन चल रहा है आपके पास, और फिर रिजल्ट सीजन में ये कि काफी सारे स्टॉक्स जो है यानी कि पे आउट्स दे रहे हैं, काफी स्टॉक्स आपके बोनस और पे आउट दे रहे हैं, जिनमें काफी स्टॉक स्पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनमें एक सेलिंग और एक बाइंग लोग फिर अवॉइड कर रहे होते हैं इस तरह के, क्योंकि सम टाइम बोनस अवेल नहीं करना चाहते या डिविडेंड अवेल नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं कि फिलहाल न्यू एंट्री की तरफ नहीं आते। आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ये स्टॉक्स जो है इनकी लास्ट डेट यानी कि जैसे पाकिस्तान ऑयल फील है, इसने 500% कैश डिविडेंड दिया हुआ है, और 12 सितंबर इसकी तकरीबन 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और एक्स डेट है 12 सितंबर। ये सारे स्टॉक्स ने पे आउट दिए, जिसमें अटक पेट्रोलियम भी है, अटक रिफाइनरी भी है, एटलस बैटरी भी है, जो काफ़ी नियर यानी कि इनके एक्स होने वाले हैं। अच्छा, अगर दूसरी लिस्ट में देखें तो दूसरी लिस्ट में G3 टेक्नोलॉजी राइट शेयर अनाउंस किया हुआ है, जबकि चेराट पैकेजिंग, इसके अलावा अगर हम देखें चेराट सीमेंट यानी कि निषाद पावर, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, नेशनल रिफाइनरी, इनके भी यानी कि इनकी भी डेट्स लिखी हुई है, लास्ट डेट और इसके बाद एक्स डेट लिखी हुई है। इसके अलावा ये एक वजूहत है क्योंकि स्पोर्ट की तरफ काफ़ी सारे स्टॉक जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी स्टॉक एक्सचेंज का एक अच्छा काम रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज ने जो है नया इंडेक्स मुतारिफ करवाया है, जिसमें 20 स्टॉक्स ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो डिविडेंड और बोनस देने वाले स्टॉक्स हैं। उनका एक इंडेक्स बनाया गया है जिसमें इन्वेस्टर्स को आसानी होगी कि वो जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए यानी 2 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन 20 शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा डिविडेंड यानी कि अर्न कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर अगर थोड़ी लॉन्ग प्लानिंग होगी तो आपके ऊपर अच्छी अर्निंग आपको सामने नजर आएगी। इसके अलावा इसकी लिस्ट जो है वो ये लिस्ट है, ये 20 स्टॉक ये वाले हैं जिनमें ABL है, अटक पेट्रोलियम है, बैंगल फ्लाई, बैंगल अभी बैंगल कॉर्पोरेशन है, ईफर्ड है, EPCL, EPQL है, फातमा फर्टिलाइजर है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, हबीब बैंक, HMB, इंडस मोटर, ISL, कैपको, MCB, NCL, पाकिस्तान ऑयलफील्ड, तारिक ग्लास एंड UBL, ये 20 स्टॉक्स डिविडेंड पे आउट वाले। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आज के टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हैस्कॉल सारे फेरिस रहा, पाकिस्तान रिफाइनरी, सी एनर्जी, यूनिटी, कैपको, PIA, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो प्रीमियम टेक्सटाइल, कॉलगेट, पामोलिव, सीमेंस, इसके साथ ही फजल क्लोथ मिल, सर्विस इंडस्ट्री, थल, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, इसके साथ ही बाटा पाकिस्तान, एटलस होंडा, ओटसुका पाकिस्तान, नेस्ले, ये आपके टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज में आज के दिन में ऑयल एंड गैस के 15.8 हुए पॉजिटिव साइड पे, इन्वेस्टमेंट बैंक, केमिकल, रिफाइनरी, लेदर, इनके स्लाइटली पॉइंट्स नजर है। रिफाइनरी के हवाले से आज भी न्यूज आती रही कि रिफाइनरी की पॉलिसी के हवाले से काम किया जा रहा है और किसी भी टाइम रिफाइनरी पॉलिसी अनाउंस हो सकती है,
जो रिफाइनिंग के लिए पॉजिटिव होगा। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर 32 पॉइंट के साथ नेगेटिव रहे, जबकि कमर्शियल बैंक 21 पॉइंट के साथ, टेक्नोलॉजी सीमेंट टेक्नोलॉजी 17 पॉइंट, सीमेंट जो है 15 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर्स, ये सारे आपके स्लाइटली पॉइंट डिक्लाइन रहे। वजह ये थी कि आज जब मार्केट इंडेक्स आपका जो डिक्लाइन कर रहा है, इसमें मेजर स्टॉक्स में कमी नहीं आ रही है। और अक्सर हमने आपको बताया है कि KEC 100 इंडेक्स के ऐसे स्टॉक्स भी कंट्रोल होते हैं जो इंडेक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन स्टॉक्स में अक्सर सेलिंग आ रही होती है, जैसे कि नेस्ले, और इनमें थोड़ी सी सेल आती है तो इंडेक्स आपका माइनस दिखा रहा होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आज नेगेटिविटी नहीं थी। हाँ, ये जरूर था कि लैक लस्टर बहुत थी मार्केट, आज एक सुस्त दिन था और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट अपने आप को यानी कि डिस्काउंट कर लिए। अच्छा, कुछ न्यूज़ नेगेटिव भी थी, कुछ पॉजिटिव भी थी, कि जैसे कि फ्लड की वजह से अगर देखा जाए तो 10 बिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान यानी कि सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा मिप्टा स्माइल्स आपकी तरफ से कि आज से यानी कि ये जो फ्लड के हवाले से यानी कि जो पैकेज लेना है उसके बारे में आज से बात यानी बातचीत चालू होगी, इनके प्रोग्राम यानी कि आज टॉक स्टार्ट होगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जापान की तरफ से 7 मिलियन एमरजेंसी ग्रांट रिसीव हुई है, ये हमारे लिए यानी कि पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रोशन डिजिटल की तरफ से इनफ्लो में यानी कि रोशन डिजिटल की तरफ से मुसलसल इजाफा हो रहा है, डॉलर में इनफ्लो हो रहा है जो कि 5 बिलियन तक हो चुका है 24 मंथ में, देखा जाए तो 5 बिलियन के लेवल को यानी कि क्रॉस करने वाला है। तो ये बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव है कि मुसलसल रोशन डिजिटल अकाउंट में यानी कि अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी काफ़ी सारी न्यूज़ है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज भी अगर डॉलर में जो है इजाफा हुआ है, जबकि पाक रुपीस में देखें तो कमी हुई है, तकरीबन 0.90% की कमी हुई है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, जबकि अगर दूसरी साइड पे देखें तो डॉलर के मेन बढ़ने की जो वजह है वो यही है कि डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर इंडेक्स है वो आपका मुसलसल हाई साइड पे जा रहा है, जिसमें डॉलर इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है 110.72 डॉलर के पास परफॉर्म कर रहा है। इस डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से यूरो में भी कमी हुई है, पाउंड में भी कमी हुई है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी कमी हुई है और पाक रुपीज में भी कमी हुई है। साथ ही अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है, जैसे गोल्ड सिल्वर का आपको बताया गया था कि में इजाफा हुआ, कल इजाफा हुआ और थोड़ी सी कमी के बाद अभी दोबारा $1.90 की स्लाइटली प्रॉफिट है, लेकिन लॉन्ग व्यू देखें तो गोल्ड सिल्वर यहां से बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $86 के पास ट्रेड कर रहा है, $86.12 के पास ट्रेड कर रहा है, 76 सेंट यानी कि डिक्लाइन कर चुका है। क्रूड ऑयल मुसलसल देखा जाए तो 88 से लेकर 86 के रेंज में परफॉर्म कर रहा है, अगर 85 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन है, अदरवाइज 89 का लेवल ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो फिर अपसाइड की तरफ है। क्रूड ऑयल का अगर देखा जाए तो ओवरसोल्ड पोजिशन पर चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये रेजिस्टेंस लेवल है 41,900 और 41,600, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है और 41,600 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करेगी तो मजीद सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल होंगे। हाई लो के एतबार से जो वीकली लास्ट क्लोजिंग हुई थी उसके एतबार से 674 पॉइंट मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट यानी 674 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। लास्ट मार्केट ने 2203 पॉइंट का अब तक डिक्लाइन किया था मार्केट ने, जो कि 51% मार्केट 4346 पॉइंट को करेक्ट कर चुकी है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए कल भी हमने आपको कहा था कि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है और एक टर्निंग पॉइंट है और मार्केट यहाँ से बढ़ सकती है। आज हमने देखा कि स्टार्ट ही पॉजिटिव हुई और मार्केट ने 200 पॉइंट भी गेन किया। इस वक्त भी अगर आप पोजिशन देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजिशन परफॉर्म यानी शो कर रही है। मार्केट का लेवल ये है कि मार्केट किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। इंडेक्स का एक छोटा सा रिस्टेंट लेवल है 41,800 के लेवल, अगर मार्केट कल के दिन में 9:30 बजे यानी कि 10 बजे तक आधे घंटे में 41,900 से अबव स्टार्ट यानी 900 के करीब क्लोज होती है तो मार्केट अपनी रैली को कंटिन्यू करेगी और मार्केट रिकवरी का फेज बनेगा, क्योंकि इस वक्त इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है। लेकिन अगर इंडेक्स आपका 41,680 या 600 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हम देखेंगे मार्केट के अंदर गिरावट देखेंगे और मार्केट अपने करेक्शन को कंटिन्यू करेगी, 41,400 से लेकर 41,200 तक अपने आपको करेक्ट कर सकती है। लेकिन देखिए अगर सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो क्या होगा, देखिए सपोर्ट लेवल अगर टूट जाता है जिस तरह मार्केट लैकलस्टर है और लो वॉल्यूम के साथ गिर रही है, पॉसिबल है कि 41,600 का लेवल ब्रेक किया जो कि अगर पॉसिबल है कि ब्रेक हो जाता है तो मार्केट एक शार्प लो बना के दोबारा रिकवर करेगी क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, ये चीज जहन में रखनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक आपका प्रॉफिट टेकिंग की तरफ है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करके उसको रीबाय कर सकते हैं डिप पर, लेकिन अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो उनको डिप पर यानी कि वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास पुराने
बड़े स्टॉक्स हैं हाई प्राइस के, तो घबराने वाली बात नहीं है कि खुदा न खास्ता मार्केट अगर ब्रेक हो गई तो मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगी या मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली गई, ऐसी सिचुएशन नहीं है। मार्केट डिक्लाइन करके दोबारा रिबाउंड करेगी क्योंकि शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ जाए, देखिए अगर डे के चार्ट के ऊपर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर तकरीबन जो मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई थी वो 16 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 16 अगस्त से पहले मार्केट ने 4,346 पॉइंट का गेन किया था और अब तक अगर हम देखें तो तकरीबन 15 दिन और फिर तकरीबन देखा जाए तो आज यानी कि 7 सितंबर यानी कि जो दो दिन आज के मिले और फिर यानी कि जो दो तीन दिन आज के ट्रेडिंग के मिले, ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 12-15 दिन से मार्केट एक लैकलस्टर परफॉर्म कर रही है, एक रेंज स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को डिक्लाइन कर रही है, यानी कि स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है। और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट 75% अपने आप को करेक्ट कर चुकी है लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से ये कि अगर मार्केट आपका लो लेवल जो कि 41,600 का लेवल ब्रेक करती है तो मैक्सिमम एक या दो दिन मार्केट मजीद अपने आपको डिस्काउंट करेगी, लेकिन मार्केट के पास गुंजाइश है कि मार्केट आपकी रैली करेगी, लॉन्ग रैली करेगी, जिसमें चांसेस होंगे मार्केट के मार्केट 1,000 से 2,000 पॉइंट 2,500 पॉइंट भी रिकवर कर सकती है, इतना पोटेंशियल है मार्केट के पास। तो ओवरऑल घबराने वाली बात नहीं है। इंडेक्स का जो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जो क्लोजिंग चाहिए, अगर मार्केट की क्लोजिंग कल के दिन में 42,100 से ऊपर आ जाती है तो ये हमारी मार्केट के लिए काफी बेहतरीन होगा और मार्केट अपनी जो करेक्शन कर रही है उसको एंड करते हुए यानी कि नजर आएगी। आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं जो ये वो स्टॉक्स हैं जो ओवरबोट है और जो ओवरसोल्ड है। अगर ये ओवरबोट स्टॉक थोड़ा सा हायर पे जाते हैं तो थोड़ी सी करेक्शन इनके अंदर डन हो सकती है, क्योंकि स्लाइटली ओवरबोट है, वॉल्यूम्स कम है, इसलिए स्लाइटली करेक्शन आ सकती है। लॉन्ग इनमें तेजी होगी लेकिन स्लाइटली करेक्शन आ सकती है। और ओवरसोल्ड स्टॉक्स है अगर ये थोड़ा सा डिक्लाइन करते हैं तो इनके अंदर एक पोजिशन बनेगी रिकवरी की और ये अपसाइड की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि इंडेक्स के हवाले से हमने आपको बताया था कि इंडेक्स ने जब लो मारा था कौन सी डेट में इंडेक्स ने लो मारा है और मार्केट ने फिर उसके बाद क्या किया। अगर हम देखें इंडेक्स के हवाले से तो इंडेक्स इस वक्त तकरीबन जैसे कि आज वॉल्यूम्स हुए काफी लो वॉल्यूम्स हुए, देखिए 25 जुलाई को वॉल्यूम्स हुए थे इंडेक्स के तकरीबन 75 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे 25 जुलाई को, लेकिन वो वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो काफी लो वॉल्यूम्स थे और उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ 130 मिलियन का 250 मिलियन का, तब जाके मार्केट ने 2200 से 2300 पॉइंट का गेन किया। उसके अलावा मार्केट में 5 जुलाई को वॉल्यूम्स लगे थे 76 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे थे और उसके बाद मार्केट में यानी 6 जुलाई को 98 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, फिर 13 जुलाई को 163 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, यानी कि 700 पॉइंट मार्केट ने गेन किया। कहने का मकसद है जब कभी मार्केट डायरेक्शन लेस हो जाती है तो उस वक्त वॉल्यूम्स कम होते हैं, फिर जब मार्केट जब लो वॉल्यूम हिट करती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वॉल्यूम्स में भी इजाफा होता है, मार्केट फिर रिकवरी का फेज बनाती है, मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है। इस वक्त वॉल्यूम्स कम होने की यानी कि ये निशानी है कि मार्केट काफी हद तक अपने आपको करेक्ट कर चुकी है, मार्केट में सख्त नहीं है कि मार्केट मजीद नीचे जाए, मार्केट किसी भी टाइम यानी कि आपकी रैली बना सकती है वॉल्यूम्स के साथ और वापस वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक कर सकती है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे, स्पेशल ग्रुप से, स्पेशल ग्रुप में टाइमली इंडेक्स के हवाले से स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है। लास्ट अगर देखा जाए तो मुसलसल जो हम यानी कि मार्केट के हवाले से बताते रहे कि मार्केट ओवरबोट है, मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी और साथ ही उन स्टॉक्स के बारे में कॉल दी जाती है जिनकी बाइंग रेंज दी जाती है, अगर वो बाइंग रेंज में आते हैं तो बाइंग कॉल्स होती है, अदरवाइज यही बताया जा रहा होता है कि ये स्टॉक्स ओवरबोट हो गए, इनमें प्रॉफिट टेकिंग करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप पर और आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।